ये वो ले लो भाई, एक लो। ट्रैक्टर पे बैठो, ट्रैक्टर पे बैठो, ट्रैक्टर पे और ठीक है। हाँ हाँ फिर आप जा, रुक जाओ जरा, अभी ना तुम कर लो। है डेनी कोई डेनी डेनी तो इस तरह की एक गाड़ी चढ़ाड़ी आधे मुँह पे और चार पांच आदमी मर गए, उसमें पत्रकार भी था एक। तो उन्हें क्यों सरकार में तो रहने का कोई हक नहीं, ठीक है उन्हें सरकार कुछ भी वो कर दे, पर एक दिखाने के लिए तो चाहता, इस तरह की बात नहीं चाहते, उसे उन पर कार्रवाई हो, चाहे वो छूट जाए सरकार उसे इनाम दे, पर एक लोग दिखावा तो चाहता, जो एक समाज में एक जो भ्रांति फैल रही सरकार कितनी वाह कर रही है, कितनी हमदर्दी कर रही है अपने अध्य मुख। तो कैसा अब 2022 का चुनाव नजदीक है, क्या किसान अब भाजपा को का समर्थन करेंगे? नहीं हम क्या है क्या, अब यार चुनाव प्रचार थोड़ा ही हो रहा, वो तो जनता की मर्जी है, हम नहीं कुछ कह सकते उसमें। जनता को अधिकार है, अपनी वोट गिरने का अधिकार है, मुझे अपनी अकेले की वोट गिरने का है, हम नहीं कुछ भी वो करते, जनता को सोच की बात है, जिस जहाँ से जनता चाहे अपनी वोट कर सके, जिसे जो कोई भी अच्छा लगता हो ठीक है, हम नहीं उसमें बारे में कुछ कहने के। जिस तरह से आपके द्वारा पहले कहा जाता था कि भाजपा के विधायक परहेज करे गांव में आने से, तो किसानों के साथ बात बन गई है, क्या अभी भी उन लोगों को इस तरह से बचाव करके गांव में आना पड़ेगा? नहीं हमने तो कभी पहले भी इस तरह की बात नहीं करी, हमने कभी भी आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा कि भाई हम भाजपा का विरोध कर रहे, हम तो यही कर रहे थे भाई, एक आंदोलन चल रहा वहाँ से, ये गाँवों में आने का परहेज करे भाई, इनकी तो ही नो कुछ बात करे। तो आंदोलन आज खत्म हो गया है, तो क्या कहना है? नहीं खत्म तो नहीं कहा जा सकता, एक समझौता हो गया, खत्म तो शब्द बहुत गलत है, आंदोलन तो चलते रह रहे, पहले भी चले, इब भी चल रहे, आगे भी चलेंगे, पर एक समझौता हो गया, अच्छी बात है, अच्छी पहल है, किसानों का भी काम धंधा है, मैं भी अपने काम धंधा देखेंगे, और एक सरकार के साथ में एक नज़दीक आई तो ठीक है, बढ़िया बात। ठीक है साहब, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आज प्रेस वार्ता की है, उन्होंने कहा कि 11 तारीख के बाद किसान अपने घर वापस नहीं, कल उनका जो रावत जी है, जो बड़ी दुखद घटना है, उनके साथ दाह संस्कार की बात होगी, पूरा भारत पूरा भारत आज दुखी है, तो उसमें लो जी एक समझौता होगा, तो परसों को हो जाएगी बात, संयुक्त मोर्चे को राइट है, उन्होंने भी अच्छा ही सोच कर करा होगा, तो 11 तारीख का उन्होंने वो करा, तो ठीक है, कोई इस बीच में कोई अड़चन ना हो तो किसान वापसी आ जाएंगे। लेकिन ठीक है साहब, जो किसानों की मांगे थी, 3 कृषि कानून को वापसी लेने की मोदी ने घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद भी और मुद्दे थे, MSP का हुआ, उसके अलावा थे उस पर क्या? नहीं वो तो देखो क्या है भी, उसका तो सही तो डिक्लेयर हुई नहीं, क्या है बात, पर एक हमें तो यही संकेत मिले ठीक होगी बातचीत, और कुछ ना कुछ बात सही होगी होगी। सरकार ने किसानों की बात मानी, क्या धन्यवाद देना चाहोगे सरकार ने? नहीं ऐसा जो अच्छे काम करे धन्यवाद तो है। कितने खुशी है आज किसानों में? नहीं खुशी तो इतनी ज़्यादा खुशी तो है नहीं किसानों की, तो भाई वो आंदोलन लंबा चला, इसका भी बहुत गम है, और तरह तरह के शब्द तो इन्हें किसानों को नवाजा गया, खुशी तो हम नहीं कह सकते, पर एक है समझौता होगा, उसके लिए अपना ठीक है, बढ़िया बात।
ठीक है, सब किसानों का सबसे बड़ा एक मंत्री है भाजपा सरकार में, जिन्होंने गाड़ी, उनके लड़के ने भाजपा गाड़ी से रोन रहा था किसानों को, उसकी उनकी बर्खास्तगी के लिए, तो उस पर किस तरह से भाई। एक तो ये तो अंदाजा लगा लो कि पहले तो ये थे भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी में पक्षपात नहीं और निष्पक्ष वो होगी, तो जो है क्या नाम है वो डेनी है, डेनी कोई डेनी, डेनी। तो इस तरह की एक गाड़ी चढ़ा रही है आधे मुँह पे,